आप देख रहे होगे आपकी मदर की कोई ना कोई फोटोग्राफ या आपकी कोई बचपन की फोटो डेफिनेटली आपके पास होगी ही। हम भी अपने लव्ड वंस को बिल्कुल ऐसे याद करते हैं, हम लोग सेम तो नहीं रह सकते, है ना। यही फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पर लगी हुई है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेते हैं। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। क्लास 11th, आप सभी के लिए देखो इंग्लिश के वन शॉट्स आने शुरू हो चुके हैं, तो आई होप आपने इससे पहले वाला चैप्टर भी देख लिया होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले आप वो भी देख लेना। और आज हम लोग कवर करेंगे आपके ही सिलेबस की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम, विच इज अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टोल्सन। नाउ फोटोग्राफ अगर हमारे हाथ में कभी आ जाती है, फिर चाहे वो हमारी हो या हमारे किसी बिलावट की हो, तो उसे देखते ही या तो फेस पर एक क्विक स्माइल आती है या फिर हम लोग अ टिंच ऑफ सैडनेस से भर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करने लगते हैं। क्या क्या इमोशंस आप फील करते हो जब आप अपनी ही कोई पुरानी फोटो या अपने किसी रिलेटिव की, अपने पेरेंट्स की बचपन की फोटोज आप देखते हो, तो क्या इमोशंस आपके मन में आते हैं? फटाफट से पहले कमेंट्स में आप मुझे वो बताओ। एंड आई एम श्योर आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे कि वो एक छोटी सी जो फोटो होती है वो कितने सारे इमोशंस को लेकर आती है, कितनी सारी फीलिंग्स, कितनी सारी मेमोरीज वो साथ में लेकर आती है। तो कुछ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन हमारी पोएट शर्ली टोल्सन ने इस पोएम में दिया है, जिसको कि हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हम डिस्कस करेंगे और पोएटिक डिवाइसेस भी हम साथ में कवर करने वाले हैं, अलोंग विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ शुरू करें अगर हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया से, तो देखो ये जो छोटी सी प्यारी सी पोएम है ना, इसमें शर्ली टोल्सन एक फोटो को डिस्क्राइब करती है। अब ये जो फोटो है ना, ये हमारे आज के स्नैप्स जैसी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी डिवाइस में ये फोटोग्राफ लिया, चाहे वो फिर आपका एक बहुत ही ट्रेंडी सा कैमरा हो या कोई ट्रेंडी सा फ़ोन हो, तो उसकी फोटोग्राफ की बात यहाँ पर शर्ली टोल्सन नहीं कर रही है। ये वो वाली फ़ोटो है जो आपके पास आपके बचपन के एक छोटे से फ्रेम में क्यूट सी फ़ोटो आपकी रखी रहती है, तो बिल्कुल उसी तरह के कार्डबोर्ड फ्रेम के एक कार्डबोर्ड फ्रेम में लगी एक फ़ोटो की बात शर्ली टोल्सन कर रही है, जो उनके हाथ लग जाती है। और वो फोटोग्राफ किसका होता है? वो फोटोग्राफ उनकी मदर का होता है। तो आप सोचो, अभी भी अगर आपके घर में या आपके आसपास जब आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप देख रहे होगे आपकी मदर की कोई ना कोई फोटोग्राफ या आपकी कोई बचपन की फ़ोटो डेफिनेटली आपके पास होगी ही, तो उसको देखकर क्या इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं? तो उसी का वर्ड्स में प्रेजेंटेशन शर्ली टोल्सन ने दिया है, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। सो वो जो फोटोग्राफ की बात इस पोएम में करने वाली हैं शर्ली टोल्सन या कर रही हैं, इट कैप्चर्स अ मोमेंट इन टाइम। क्या करती हैं फोटोज? आपके उस मोमेंट को कैप्चर कर लेती हैं। वो फोटोग्राफ इमोशंस तो नहीं दिखा सकती, इमोशंस आपके अंदर से डेवलप होते हैं, है ना, लेकिन उस मोमेंट को, उस कुछ सेकेंड के मोमेंट को वो कैप्चर कर लेती हैं। एंड दिस फोटो इज बेसिकली अ विंडो इन टू द पास्ट, एंड थ्रू इट वी कैन सी इन टू द लाइव्स ऑफ दोज हु केम बिफोर अस। वो फोटोग्राफ और कुछ नहीं, सिर्फ एक विंडो का काम करती है हमारे लिए। और वो विंडो का प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटोग्राफ के ही मीडियम से, सोचो हम लोग अपनी लाइफ के हसल बसल नेचर में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है पुरानी मेमोरीज़ को याद करने का, और अचानक से ऐसी कोई फोटोग्राफ हमारे सामने आ जाए तो वो एक विंडो बन जाता है, हम अपने पास्ट की तरफ चले जाते हैं कुछ ही सेकेंड्स के लिए। द पोएम फोटोग्राफ बाय शर्ली टोल्सन इज अ टचिंग ट्रिब्यूट टू अ मदर कैप्चर्ड इन अ पिक्चर। और एक तरह से ये एक ट्रिब्यूट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट दिया था, वैसे ही शर्ली टोल्सन ने अपनी मदर को ये ट्रिब्यूट दिया है। द पोएम एलिसिट्स इमोशंस फ्रॉम रीडर्स एज दे आर रिमाइंडेड ऑफ लाइफ फ्लीटिंग मोमेंट्स, डिस्क्राइबिंग द थ्री स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो प्यारी सी पोएम है ना, ये एलिसिट करती है ना, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? एलिसिट्स का आप सिनोनिम लेके चल सकते हो इवोक्स, ठीक है, जहाँ पर वर्ड एलिसिट्स यूज हुआ है आप इसकी जगह पर इवोक्स भी यूज कर सकते हो, एंड इवोक वर्ड का मीनिंग होता है टू डेवलप, राइट। तो ये जो प्यारी सी पोएम है ना, ये रीडर्स के मन में इमोशंस डेवलप करती है। जैसे जैसे हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे, आपको समझ में आएगा कि यस, हम भी अपने लव्ड वंस को बिल्कुल ऐसे याद करते हैं जैसे कि पोएट अपनी मदर की फोटोग्राफ देखकर उन्हें याद कर रहे हैं। और यहाँ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम भी इस पोएट्री से हमें मिलता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया में भी थोड़ा बहुत आप थीम का इंक्लूजन कर सकते हो। सो लाइफ के फ्लीटिंग मोमेंट्स की बात की है कि ऐसे मोमेंट, देखो अभी ये मोमेंट है,
अगले पल में ये मोमेंट आप बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, राइट। तो लाइफ का ये जो फ्लीटिंग नेचर है, क्विक क्विक अभी है फिर नहीं है, सेम मोमेंट नहीं होता है, सेम मोमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस मोमेंट को चेरिश कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद करके खुश हो सकते हो। तो यही पूरी इस पोएम में बात की गई है। और पैसेज ऑफ टाइम के बेसिकली तीन स्टेजेस डिस्कस हुए हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे। एंड दिस डिस्क्रिप्शन रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। और यही डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं पोएट के मन में नॉस्टैल्जिया लेकर आ जाता है ना। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? देखो, नॉस्टैल्जिया एक वो इमोशन है जब आप खुश भी होते हो, आप दुखी भी होते हो। कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे समर वेकेशंस थे तो आप लोगों को स्कूल की याद आई होगी। कितने बच्चों को स्कूल की याद आई, नहीं आई, नॉट श्योर, बट मेजॉरिटी को आई होगी, ये मैं कह सकती हूँ। तो आप जब वापस स्कूल जाओगे क्लास 11th में, आपको रियलाइज होगा कि यार बस अब हमारे पास एक और क्लास बचा है, क्लास 12th हमारे पास बचा है। एंड वो मिक्स्ड ऑफ यू नो ओवरवेलमिंग इमोशंस आप फील करोगे, बहुत सारे इमोशंस आपके मन में आएंगे। आप खुश भी होगे कि चले यार स्कूल लाइफ से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैड भी फील करोगे कि ये जो फन लविंग लाइफ थी अब ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के इमोशंस आपके जब मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं, आप सैड भी हो, आप खुश भी हो, उसको हम नॉस्टैल्जिक इमोशन बोलते हैं। तो इस पूरी पोएट्री में जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया है, कहीं ना कहीं वो पोएट के नॉस्टैल्जिक इमोशंस को डेवलप कराती है। वो पास्ट की तरफ जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, अपनी मदर के हैप्पी मोमेंट्स को याद करती हैं, तो उन्हें काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील होता है। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, विल टॉक अबाउट थीम एज वेल। और सेंट्रल आइडिया से आप ये गेस ऑलरेडी कर चुके हो कि इस पोएम की थीम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पोएम बात करता है मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया पर। नॉस्टैल्जिया इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड व्हेन वी यू नो डिस्क्राइब दिस ब्यूटिफुल पोइट्री। तो मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया क्यों इम्पॉर्टेंट बोला है? क्योंकि वो जो फोटोग्राफ है ना, वो एक ट्रिगर का काम करती है। उसी फोटोग्राफ की वजह से सारी पावरफुल मेमोरीज पोएट के मन में आती है। अब इनको आप पोएटेस बोलेंगे, पोएट बोलेंगे, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। कुछ जो फीमेल पोएट्स होती हैं वो खुद को पोएटेस बुलवाना नहीं पसंद करती हैं, तो इट डजेंट मैटर, आप पोएट बोल सकते हो, आप पोएटेस बोलो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो उनको मन करता है कि वो भी पास्ट के उस मोमेंट में जाएं जहाँ उनकी मदर वो सो हैप्पी व्हेन शी वाज यंग, शी वाज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल। तो उनका भी बड़ा मन करता है कि उस मोमेंट में काश वो भी होती। तो मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया ये हमें इस पोएम में देखने मिलती है। देन द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज। और वो क्या देखते हैं कि देखो, टाइम जो है वो कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेगा ना, वो हमेशा चेंज होता जाएगा। तो टाइम और चेंज की बात ये पोइट्री करती है। सो द पोएम कॉन्ट्रास्ट द केयरफ्री यूथ ऑफ द मदर इन द पिक्चर विद द स्पीकर्स प्रेजेंट। अब देखो, जहाँ भी आप लोगों के पेरेंट्स ने बचपन में कभी कहीं फोटोज़ क्लिक कराई होंगी, तो आप अगर रिविजिट करना चाहोगे उस जगह को, तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एंड बाकी एडवांसमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको सिमिलैरिटी देखने मिलेगी कि अगर वहाँ पे कोई रिवर हुआ करती थी, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा हमने डैमेज ना पहुँचाया हो नेचर को, तो वो आपको उसी जगह पर मिलेगा। लेकिन इंसान में चेंजेस आ जाते हैं। अब आपकी मदर वापस से वैसी पहले जैसी छोटी बच्ची तो नहीं है, शी इज योर मदर नाउ, शी इज अ ग्रोन अप एडल्ट, राइट। तो यही सिमिलर इमेज हमें इस पोएम में शेली टोल्सन के थ्रू भी देखने मिलती है। तो वहां से एक थीम डेवलप होता है द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज का, कि जो नेचुरल एलिमेंट्स थे वो एज इट इज अभी भी वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी मदर जिन्होंने उस सी एरिया में पिक्चर क्लिक कराई थी वो वैसी नहीं दिख रही है। अब उनकी मदर बड़ी हो चुकी है, इनफैक्ट उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। तो यहां से क्या पता चलता है, क्या किस बात पर हाईलाइट किया जाता है, द रिलेंटलेस फ्लो ऑफ टाइम एंड हाउ इट ऑल्टर्स एवरीथिंग। कि टाइम इज ऑफ फ्लीटिंग नेचर, टाइम कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, टाइम तो चेंज होता रहता है ना, आप उसे कंट्रोल नहीं करते। एंड डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज अनअवॉइडेबल, हम लोग सेम तो नहीं रह सकते, है ना। लॉस एंड एब्सेंस पर भी ये पोएम बात करती है। सो द पोएम सटली सजेस्ट द मदर्स एब्सेंस। बहुत अच्छे से हमें फील होता है कि पोएट कितनी दुखी है अपनी मदर की एब्सेंस की वजह से, पॉसिबली ड्यू टू डेथ, क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी डेथ की वजह से एक एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में आ चुका है, जिसको कि इस वर्ड से डिस्क्राइब किया है, वॉइड इज द वर्ड, वॉइड मतलब होता है एम्प्टीनेस। तो पोएट के लाइफ में वो एम्प्टीनेस आ चुका है जो उनकी मदर की डेथ की वजह, राइट। तो इस पर भी पोएट ने बात की है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज ट्रांजियंस ऑफ लाइफ। ट्रांजियंस वर्ड का मतलब ही होता है इम्परमनेंस, जब कोई चीज़ परमानेंटली हमारी लाइफ में नहीं होती है,
हम बोलते हैं कि भाई इसका तो ट्रांजिएंट नेचर है. ओके, सो दिस पोएम एम्फसाइजेस दैट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस आर फ्लीटिंग. ये तो आपको लाइन आनी चाहिए इस पोएट्री से समझ. देखो, टाइम हो गया, लाइफ हो गया, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो गया, ये सब फ्लीटिंग नेचर के होते हैं. ये हमेशा सेम नहीं रहने वाले, है ना. हम लोग इमॉर्टल्स थोड़ी है, वी आर मॉर्टल्स. हमारी डेथ होगी. हम लोग जैसे वी हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. शेक्सपियर का वो आपको याद, अगर आप लोगों ने पढ़ी है बाय एनी चांस, यू नो देयर वाज दिस पोएम जहां पर वो बात करते हैं वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले. बहुत सारे रोल्स हैं हमारे, हमारे डिफरेंट स्टेजेस हमें लाइफ के हमें पास करने होते हैं, तो हम लोग सेम नहीं रह सकते हैं, राइट. और हमारे पास रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज. अब आप कभी छोटे भी थे, यू वर एन इन्फेंट, राइट. आपकी मदर या फादर आपको बार बार बोलते होंगे कि जब ये छोटा था या जब ये छोटी बच्ची थी तो ये ऐसे किया करती थी. अब आप देखो खुद को, यू आर ग्रोन अप नाउ, सेम नहीं रहे हो, है ना, बट मेमोरीज आर स्टिल देयर, राइट. सो दीज वर द मेजर थीम्स एंड नाउ लेट अस क्विकली लुक इन टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम. क्या है देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. Each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle. Now, ये जो initial portion है, आपको clearly समझ में आ रहा होगा. देखो क्या बोला है, बहुत ही simple. तभी आपको central idea और theme मैंने पहले कराया, ताकि आप जब line by line explanation हम ले, तो आप बहुत ही अच्छे से resonate कर पाओ, reflect कर पाओ कि हाँ, समझ पाओ exactly poet क्या बोल रही है. तो द कार्डबोर्ड कहाँ पर उन्होंने पिक्चर देखी, ऐसा नहीं है कि वो स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर या उन्हें कोई अपनी मदर की पुरानी पिक्चर दिख गई. नो, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड उन्हें नजर आया. इस तरह से देखो, ऐसा फ्रेम होता था पूरा, कार्डबोर्ड गत्ते का पूरा इस तरह से बना हुआ होता था. बहुत ज्यादा देखो ऐसा ऑर्नामेंटल या डेकोरेटेड आपको नहीं नजर आएगा, पुराने टाइम का. तो कहीं ना कहीं ये कार्डबोर्ड जो है ना, ओल्डर टाइम्स को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऐसा कोई बहुत हाईटेक डिजाइंड फोटोग्राफ नहीं था, वो एक कार्डबोर्ड है, राइट. जो क्या दिखा रहा है पोएट को, शोज मी हाउ इट वॉज, क्या कैसा लग रहा था, कैसा टाइम था व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. जब दो गर्ल कजिन्स, यानी कि उनकी मदर के साथ साथ देयर वर टू अदर गर्ल्स एज वेल, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, दे वेंट पैडलिंग. वो पैडलिंग करने गई ना. वॉट इज पैडलिंग? पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक विद बेयर फीट. To walk with bare feet in shallow water. पानी में ऐसे छपक छपक करने के लिए जब जाते हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने, इनफैक्ट मैं भी नहीं गई हूँ वैसे तो इस तरह से पैडलिंग के लिए कभी, बट कितने बच्चों ने ये इंजॉय किया, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और क्या फन, क्या एक्सपीरियंस आप लोग करते हो, डेफिनेटली शेयर इट विद अस. सो ये जो बच्चियां हैं ये सभी पैडलिंग करने पानी में गई हैं, ऐसे बिना स्लीपर्स के नंगे पैर छपा छप पानी में मस्त अपना छपाक छपाक कर रहे हैं, राइट. मछली नहीं, मतलब बच्चियां कर रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और दोनों गर्ल्स ने, दोनों जो गर्ल कजिन्स हैं, उन्होंने पोएट की मदर का हाथ पकड़ा है. आप बिल्कुल इस इमेज को ना ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जो पिक्चर आप सामने देख रहे हो यही फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पर लगी हुई है. और यहाँ पर वो क्या देख रही है कि देयर आर टू गर्ल कजिन्स, दो गर्ल कजिन्स हैं, और उन दोनों ने पोएट की मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है. And she the big girl. Now who is the big girl here? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? She the big girl. She the big girl is poet's mother. ये कौन है? ये poet की mother की बात हो रही है. 12 years or so. Photo में देखकर तो लग रहा है कि she is around 12 years. 12 साल की है लगभग. All three stood still. और तीनों बिल्कुल still खड़ी हैं. अगर आपको पिक्चर के लिए पोज देना है तो हाँ, वैसे तो देखो आजकल तो भाई मोशन में भी कैंडिड प्लैंडेड करके पिक्चर्स ले ली जाती हैं, बट पहले के टाइम पर किस तरह से देखो, दे ऑल आर स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस वो खड़ी हैं. स्माइल थ्रू देयर हेयर. स्टिल का मतलब होता है एकदम मोशनलेस, मूवमेंट नहीं कर रही हैं, और दे आर स्माइलिंग, है ना, वो हंस रहे हैं थ्रू देयर हेयर. नाउ थ्रू देयर हेयर का क्या मतलब है कि विंडी वहाँ पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, बीच के पास में वो लोग हैं सभी बच्चे, तो हवा भी चल रही है. एंड उनके फेस पर अगर आपको मैं अपनी अमेजिंग सी ड्रॉइंग दिखाऊँ तो वहाँ से आप समझोगे, ठीक है. इफ दिस इज द गर्ल, तो ऐसे करके बाल जो है बिल्कुल उनकी आंखों पर आ रहे हैं, फेस पर आ रहे हैं, दे आर स्माइलिंग, राइट. वो स्माइल कर रही हैं. सो स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, बिल्कुल ये वाली इमेजरी ड्रॉ करती है. इससे पहले आप मजाक उड़ाओ, आई विल क्विकली इरेज इट.
एट द अंकल विद द कैमरा, और वो स्माइल किसको देखकर कर रही है, अपने अंकल की तरफ जिन्होंने कैमरा पकड़ा। अब ये रिलेटिव है या रैंडम फोटोग्राफर जो हमारे होते हैं उनको बोला है, ये क्लियर डिस्क्रिप्शन पोइट्री में नहीं है, उतना इन डेप्थ आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो देयर इज दिस अंकल, ठीक है, एक अंकल वहां पर है, देयर इज अ मैन जिन्होंने कैमरा अपने हाथ में लिया हुआ है, ही इज टेकिंग द फोटोग्राफ। तो ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन हमें नजर आ रहा है, फर्स्ट स्टेज हमें नजर आ रहा है, व्हेन पोएट्स मदर वाज अ गर्ल, है ना, वो 12 इयर्स ओल्ड छोटी बच्ची थी, तो ये हमें देखने यहाँ पर मिला। स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड सी किस तरह से शर्ली टोल्सन इज डिस्क्राइबिंग हर मदर। उन्होंने क्या बोला कि कितना स्वीट सा प्यारा सा फेस है मेरी मदर का, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ऑफकोर्स शी वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, पोएट की जो मदर थी वो 12 साल की थी, तो तब पोएट थोड़ी इस दुनिया में होंगी। एंड द सी, लेकिन यहाँ पर अपनी मदर की इमेज तो उन्होंने हमें दिखाई, बट उन्होंने एक इमेज और दी हमें जो किसकी है, सी की। सी की इमेज भी उन्होंने हमें दी, जो कैसा नजर आ रहा है, टू हैव चेंज्ड लेस, सी कुछ ज्यादा बदला नहीं है। वॉश्ड द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अब वो अभी भी उसी फोटो को डिस्क्राइब कर रही हैं कि उस फोटो में जहां पर वो स्माइल कर रही हैं तीनों, और पानी भी जो है उनके पैरों को धोता हुआ निकल रहा है। किस तरह से देखो, एक इस तरह की इमेज आपको नजर आएगी। एंड द सी, मैंने रिपीट किया है वही लाइन, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ठीक है, उस फोटो में हो सकता है शर्ली टोल्सन को इस तरह की इमेज नजर आ रही है जहां पर पानी जो है उनके फीट को वॉश करता हुआ निकल रहा है। टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, नाउ टेरेबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये क्या दिखा रहा है कि सी कुछ ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आ रही है। कौन से सी की बात कर रही है, ये उसी सी की बात कर रही है जो उनके मदर और बाकी जो दोनों गर्ल्स हैं उनके पैरों को वहां से वॉश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिएंट बोला है एक्चुअली में, ये ट्रांजिएंट नेचर इम्परमानेंस ऑफ लाइफ को बोला है, बट ये किसको बोल रहे हैं, ये पैरों को नहीं बोल रहे एग्जैक्टली, है ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बोल रहे हैं, सिर्फ पैर थोड़ी ना। और ये आपका एक पोएटिक डिवाइस है, मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो फीट की यहाँ पर एग्जैक्ट बात नहीं हो रही है, ये फीट जो है एक्चुअली में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, अगर आपको अभी पता चल गया है तो बता दीजिए जल्दी से, नहीं पता चला है तो आगे तो मैं बताने ही वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पर वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब है कि यहाँ इन दोनों लाइन से ना एक कॉन्ट्रास्ट हमें पोएट दिखाना चाह रहे हैं कि देखो यार, एक तरफ ये सी है जो आज भी बिल्कुल वैसी ही है ना, और एक तरफ मेरी मदर, मेरे दोनों मदर के जो कजन्स हैं वो हैं जो अब बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो एक पैरेलल कहीं ना कहीं ड्रॉ किया है, एक कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने दिखाया है, ऑपोजिट नेचर दिखाया है किसका, सी का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। सी तो अभी भी वैसी ही नजर आ रही है, बट माई मदर इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, अभी भी अब मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। उस फोटोग्राफ के हिसाब से तो दोनों दिख रहे हैं, लेकिन अब सी अपनी जगह पर वहीं पर है, लेकिन मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। तो वो कॉन्ट्रास्ट हमें शो किया गया है। एक बार क्विक हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सो अभी तक का जो भी हमने लाइन्स पढ़ा उसका क्या मतलब था, पोएट डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ, वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड हर टू कजन्स, और साथ में कौन है, उनके दोनों कजन्स है। ये फोटो कब ली हुई है, छुट्टियों में वो लोग किसी सी साइड गए हैं, प्रॉबेबली बीच के पास है, तो वहां पर ये फोटोग्राफ ली गई है। एंड द पिक्चर शोज द पोएट्स मदर, उस पिक्चर में कौन है, पोएट की मदर है जो कि अराउंड 12 इयर्स ओल्ड है, एंड ऑन अ बीच ट्रिप विद हर टू यंगर कजन्स, और वो बीच ट्रिप पर गए हैं अपनी दोनों यंग कजन्स के साथ। तो सभी के सभी खुश है, कैसे पता चल रहा है, बिकॉज दे वर यू नो दे वर पोजिंग राइट, दे वर स्टिल एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। हमें पता कैसे चल रहा है इन लाइन से, दे आर ऑल हैप्पी, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, और हवा में उनके बाल भी उड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें पता चली। पोएट लुकिंग एट द फोटो, अब पोएट क्या कर रही है, उस फोटो को देख कर शी इमेजिन्स हर मदर्स यूथफुल ब्यूटी, वो अपनी मदर की ब्यूटी को इमेजिन कर रही है बिफोर शी वॉज इवन बॉर्न, उनके पैदा होने से पहले भी, पहले उनकी मदर कैसी नजर आती थी ये उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया है, अ स्वीट फेस ऐसा बोलकर, है ना। इट स्पार्क्स अ बिटर स्वीट मेमरी, और ये कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक मेमरी लेकर आता है। बिटर स्वीट मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सैड मेमरी है या एकदम एक्सट्रीमली हैप्पी मेमरी है, बिटर स्वीट मेमरी है, नॉस्टैल्जिया उनको हो रहा है। एंड द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ मच टाइम हैज पास्ड, और वो यही रिफ्लेक्ट करे, यही सोच रही कि यार इतना टाइम हो गया, सोचो मेरी मदर इतनी छोटी थी तब, स्पेशली सिंस हर मदर्स पासिंग, मेरी मदर की डेथ के बाद अब कितना टाइम हो चुका है इस फोटो को मुझे देखे, प्लस
जब मेरी मदर ने ये पिक्चर ली थी तब वो कितनी छोटी थी. इंटरेस्टिंगली इवन दो द पोएट हरसेल्फ हैज ग्रोन ओल्डर द वास्ट सीन द पिक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड. और यहाँ पर जो कंट्रास्ट की बात मैं आपसे कर रही थी वो यही था. पोएट इज सरप्राइज्ड कि देखो कितना चेंज आ चुका है. तो जिस सी को वो फोटो में देख रही है वो अनचेंज्ड है, वो अभी भी वैसे ही है. तो पेरिनियल नेचर हमें सी का यहाँ पर दिखाया है एंड ट्रांजिएंट नेचर हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस का यहाँ पर दिखाया है. इट कीप्स वॉशिंग ओवर द गर्ल्स फीट ऑन द बीच, राइट. पिक्चर में तो वो दिख रहा है कि द सी इज वॉशिंग देयर फीट. दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ. और ये जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया है सी का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ये बेसिकली क्यों प्रेजेंट किया है पोएट ने, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो लाइफ का जो नेचर है ना वो परमानेंट नेचर नहीं है, फ्लीटिंग नेचर है, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ है, इम्परमानेंस ऑफ लाइफ हमें दिखाने के लिए किया है कंपेयर्ड टू द एंड्योरिंग पावर ऑफ द सी, इन कंपेरिजन टू द टॉलरेटिंग पावर ऑफ द सी. भाई देखो सी तो सर्वाइव कर रही है लेकिन ह्यूमंस का जो फ्लीटिंग नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो हमें यहां से क्लियरली शो हो रहा है. तो एक कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएट्री. सम 20-30 इयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. अब जो है एक तरह से देखोगे तो अब दूसरा स्टेज हमें यहां देखने मिल रहा है. पहले में तो देखा था कि पोएट अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही थी और वो उस फोटोग्राफ को देखकर उस मोमेंट को इमेजिन कर रही थी कि जब उनकी मदर सी हॉलिडे पर गई थी. अब वो क्या इमेजिन कर रही है देखो कि लगभग 20-30 साल बाद She would laugh at the snapshot. Now, who is she here? ये जो she है ये poet की mother है. कि हो सकता है अब देखो the poet started imagining further. उन्होंने आगे imagine करना शुरू किया कि अपनी उस photograph को देख कर लगभग 20-30 साल बाद मेरी जो mother है वो बहुत जोर जोर से हंस रही हूँ उस snapshot पर, उस picture पर. Snapshot is the photo, the photograph. बिल्कुल ऐसे See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. ऐसा ही होता है ना, अगर आपकी मदर आपको आपके बचपन की फोटोग्राफ दिखाएं कि देखो तुमको बहुत ही डिफरेंट तरह से ड्रेसअप किया हो, खूब सारा यहाँ पर आपके किसी फर्स्ट स्कूल फंक्शन की फोटो आपको दिखाई जाए जब आप छोटे से बच्चे थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, तो ढेर सारा यहाँ पर रूज लगाया हुआ हो और एक फनी सा ड्रेसअप आपको, मे बी आप कभी किसी प्रोग्राम में, आई मीन किसी फंक्शन में, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे में कुछ डिफरेंट अपीयरेंस लेकर गए हो, तो अभी आपका क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स रहेगा कि ये क्या हमें पहना दिया था मम्मा आपने. तो बिल्कुल वैसा ही पोएट की जो मदर है लगभग जब उन्होंने वो फोटो ली जब वो 12 इयर्स ओल्ड थी उसके 20-30 साल बाद अपनी उसी फोटो को देखकर उनका क्या रिस्पॉन्स रहा देखो. सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली. नाउ हु आर दीज गर्ल्स बेटी एंड डॉली, ये वही दोनों कजिन्स हैं जिनके साथ ये गए, ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो मदर जो है वो याद कर रही है उस फोटो को देखकर कि सी बेटी एंड डॉली है इस फोटो में एंड कैसे हमें ड्रेसअप किया हुआ है, कैसे लग रहे हैं हम लोग फनी से, सिली अपीयरेंस को मेबी देखकर वो हंस रही हैं. सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट. पोएट यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन देती हैं कि ये जो सी हॉलिडे था जहाँ मेरी मदर जब वो 12 इयर्स की थी गई थी, ये मेरी मदर का पास्ट है. वॉज हर पास्ट मतलब वॉज हर मदर्स पास्ट. अब उस सी हॉलिडे पर उसकी मदर तो वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो उनके बचपन की यादें हैं. अब वापस से उस मोमेंट में जाना इज इम्पॉसिबल. हाँ अगर कोई टाइम मशीन डेवलप कर दे, डिजाइन कर दे तो बात अलग है, लेकिन अब नहीं जा सकती. तो वो सी हॉलिडे किसका पास्ट हो गया, पोएट की मदर का. माइन इज हर लाफ्टर. पोएट के लिए पास्ट क्या है, माइन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पोएट के लिए पास्ट है उनकी मदर की लाफ्टर, राइट. पोएट्स मदर्स लाफ्टर. पोएट के लिए पास्ट हो गया उनकी मदर का लाफ्टर. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. पूछ लेते हैं किसका पास्ट क्या है, तो पोएट की मदर का पास्ट है वो सी हॉलिडे और पोएट का पास्ट है अपनी मदर के इस मोमेंट का वो लाफ्टर. बोथ राय विद लेबर डीज ऑफ लॉस, अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो आपसे पूछ ही लेते हैं, ठीक है. बोथ राय, बोथ मतलब पोएट भी और पोएट की मदर भी, दोनों ही एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं जिसको डिस्क्राइब किया गया है इस वर्ड से राय. वी प्रोनाउंस इट एज राय. नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये एक एक्सप्रेशन है ऐसा समझ लो जिसमें 80% दुख है, बचा 20% थोड़ा सा ह्यूमर है ना. इट्स लाइक चलो कुछ तो है यार, चलो एक टॉफी तो मिली, चलो एक कम से कम 20 नंबर ही आ गए 25 में से, ऐसा वाला जो हमारा एक
फेशियल एक्सप्रेशन होता है, डिस्गस्ट हम थोड़ा सा शो कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, पर साथ में थोड़ा सा यू नो देयर इज दिस टच ऑफ ह्यूमर. तो ऐसा एक्सप्रेशन ये दोनों दे रहे हैं क्योंकि अब इन्हें पता है उस मोमेंट में ये जा तो सकते नहीं है, तो दुख भी है प्लस थोड़े से खुश भी हैं क्योंकि इनको ऐसी मेमोरी एटलीस्ट कैप्चर करने मिल गई है, एटलीस्ट इनके पास ये मेमोरी है. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. नाउ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या मतलब है? लेबर वर्ड से समझो, लेबर का मतलब होता है स्ट्रगल करना, ईज का मतलब होता है कंफर्ट. तो ये जो लॉस है दोनों का, दोनों के लिए ही लॉस है कुछ ना कुछ. पोएट की मदर का लॉस है वो मेमोरी, राइट? अब वो उस मोमेंट में नहीं जा सकती सी हॉलिडे में. पोएट के लिए उनकी मदर का वो लाफ्टर, अब वो वापस से वो लाफ्टर उनकी लाइफ में नहीं आ सकता है बिकॉज हर मदर इज नो मोर. तो दोनों ही लॉस में, दोनों ही अपने लॉस को याद कर रहे हैं, राइट? दोनों ही एक्सप्रेशन प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि डिसअपॉइंटमेंट सैडनेस से भरा हुआ है, प्लस देयर इज दिस टिंज ऑफ ह्यूमर, है ना, और स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को कंफर्ट करने का, इस लॉस को एक्सेप्ट करने का. क्लियर? समझ में आया? नाउ ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सेपरेटली इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. सो द मदर रिमेंबर्स हर हैप्पी चाइल्डहुड. मदर जो है अपने हैप्पी चाइल्डहुड को याद करती है, लेकिन फिर भी शी इज अ बिट सैड, शी इज अ बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट लूजिंग दोज केयर फ्री टाइम्स, क्योंकि वो टाइम अब चला गया है. पोएट की मदर के लिए वो पास्ट है. द पोएट मिसेज हर मदर एंड हर जॉयफुल स्माइल सिंस शी पास्ट अवे. पर पोएट जो है उनकी मदर के लाफ्टर को मिस कर रही है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है. Now both remember good times, दोनों ही अच्छे टाइम को याद करती हैं, but it's hard, बहुत difficult है. The labored ease of loss, बहुत ही struggle है इन दोनों के लिए इस loss को accept करना, इस loss में comfort ढूंढना, because time goes by too fast. Time का nature fleeting होता है, वापस नहीं आता, एक बार चला गया तो अब वो उस moment में वापस नहीं जा सकते, right? एंड ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या है इस पर्टिकुलर स्टैंजा का? 20-30 years later after discovering the photograph, लगभग 20-30 साल बाद जब पोएट की मदर के हाथ वो फोटोग्राफ लगी होगी, तो वो अपने अपने मदर के लाफ्टर को, यहाँ पे फादर हो गया, तो वो अपने मदर की लाफ्टर को भी यहाँ पर याद करती हैं, राइट? कौन सी लाफ्टर? जो उनकी मदर प्रेजेंट करती हैं जब उनके हाथ में वो फोटोग्राफ लग जाती है अपने बचपन की. हर मदर विद अ बिटर स्वीट लाफ पॉइंट्स आउट हर आंट्स. और उनकी मदर क्या उस मेमोरी में क्या कर रही है? उनकी मदर वो बेटी एंड डॉली को पॉइंट आउट कर रही हैं. और उनका जो वियर्ड सा बीच अटायर था, पेक्यूलियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, पेक्यूलियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज. अटायर इज बेसिकली क्लोथ्स को बोला है, ड्रेसअप को बोला है. एंड दिस फोटो कैप्चर्स अ जॉयफुल मेमोरी फ्रॉम हर मदर्स यूथ. और ये जो फोटो है ये उनके मदर के लिए बेसिकली क्या है? जॉयफुल मेमोरी है, राइट? उनके बचपन की याद है जो कि एक ऐसा पास्ट है अब बिल्कुल भी, आई मीन कैन नॉट गेट क्लोजर टू दैट पास्ट. वो डिस्टेंट पास्ट बन चुका है, काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है. एंड द पोएट इन टर्न विटनेसेस हर मदर्स लाफ्टर. पोएट के लिए उनकी मदर का जो लाफ्टर है ये एक और लेयर पास्ट का बन चुका है जो फेड होता चला जा रहा है. और ये जो फ्रेज दिया हुआ है ना, लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इट हिंट्स एट द अंडरलाइन ग्रीफ ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन. ये जो लेबर्ड इज ऑफ लॉस, जैसा मैंने पीछे आपको समझाया था, ये क्या हिंट कर रहा है? ये अंडरलाइन ग्रीफ को प्रेजेंट कर रहा है, उस दुख को प्रेजेंट कर रहा है जो किसी के खोने से आप फील करते हो. सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सलाह दे रहा है कि चेरिश्ड मेमोरीज कैन चेंज इनटू पेनफुल रिमाइंडर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. वो मोमेंट जब आप बड़े खुश थे, वो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, कई बार पेनफुल भी हो जाते हैं बिकॉज हमें ये रियलाइज होता है कि वो टाइम वापस नहीं आता. ठीक है, ओके. Now let us complete the poem. So this is the last part. Now she has been dead nearly as many years as that lived. यहाँ पर क्या कह रही है poet? Who is she here? Now this is poet's mother. फिर से poet ने अपनी mother के बारे में हमें एक detail दिया कि मेरी mother की death को अब लगभग उतने ही साल हो चुके हैं जितना उस बच्ची को उस photograph में हुए थे. तो वो photograph में लगभग 12 years का दिखाया. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरी मदर की डेथ को भी लगभग 12 इयर्स हो चुके हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांस वर्ड का मतलब तो सिचुएशन होता है, पर ये किस सिचुएशन की बात हो रहा है? ये सिचुएशन हो रहा है बेसिकली, सिचुएशन किसकी वजह, किसको बोला जा रहा है? ये वो वॉइड जो पोएट की लाइफ में क्रिएट हो चुका है ड्यू टू हर मदर्स डेथ. कि मदर के डेथ की वजह से जो खालीपन उनकी लाइफ में आ गया है ना, उसको सर्कमस्टांस वर्ड से डिस्क्राइब किया है. एंड देर इज नथिंग टू से एट ऑल.
और अपने इस एम्प्टीनेस को वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही है, वर्ड्स में नहीं बयां कर पा रही है. इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, क्योंकि इसका जो इस डेथ का, इस एम्प्टीनेस का जो साइलेंस है ना, इतना गहरा साइलेंस है कि वो कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं करने दे रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है वो इस सिचुएशन को. सो इट्स साइलेंस, साइलेंसेस इज अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज. इसका क्या मतलब है? द साइलेंस ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में है ड्यू टू द डेथ ऑफ हर मदर, इस सिचुएशन के साइलेंस ने क्या कर दिया है, पोएट को भी साइलेंट कर दिया है. शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ इन वर्ड्स, वो अपने दुख को वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से. सो द फर्स्ट लाइन एस्टैब्लिशेस अ क्रूशियल टाइम फ्रेम. यहां पर जो हमने पहली लाइन पढ़ी ना, तो ये हम लोगों को एक टाइम फ्रेम प्रेजेंट कर रही है. क्या टाइम फ्रेम? कि भाई मदर की डेथ को कितने साल हो गए. डायरेक्टली नहीं लिखा है पोएट ने, बहुत ही इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया है. सो द मदर्स एब्सेंस फॉर 12 इयर्स और मोर इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द एज ऑफ द गर्ल. काफी अमेजिंग सा, यू नो, इसको कहेंगे कोइंसिडेंस है कि मदर की डेथ को भी उतने साल हो गए हैं जितनी एज में मदर ने वो फोटोग्राफ क्लिक करवाई थी. The poet's mother in the photograph. Now this draws a poignant parallel between the duration of her mother's absence and the lifespan of the eldest girl depicted in the photograph. तो वही चीज़ है कि बहुत ही heart touching, poignant क्या होता है, बहुत ही heart touching parallel ये draw कर रहा है कि जितने साल, देखो उस फोटो को देखकर एकदम उन्हें क्लिक किया होगा कि 12 साल की एज में मेरी मदर ने ये पिक्चर भी क्लिक कराई थी और 12 साल ही मेरी मदर की डेथ को भी हो चुकी. ऐसा करके उनको और इमोशनल फील हुआ होगा. द पोएम एंड्स इन अ हैवी साइलेंस. और ये जो पोएम है ये एंड होती है एकदम साइलेंस वाले नोट पर. अ साइलेंस दैट हैज ग्रोन डीपर. और ऐसा साइलेंस जो इतना गहरा हो चुका है विद ईच पासिंग ईयर, और वो साल दर साल और गहरा होता चला जा रहा है सिंस द मदर्स डेथ. जितने साल मदर की डेथ को होते चले जा रहे हैं और ये प्रोफाउंड होता चला जा रहा है. दिस साइलेंस डजंट सिंपली रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ साउंड. अब साइलेंस वर्ड का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर कोई साउंड नहीं हो रही है, कोई एब्सेंस, देयर इज दिस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, ये नहीं है इसका डायरेक्ट मतलब. बट इट एम्प्लीफाइज द पोएम सॉरो. ये साइलेंस एक्चुअली में पोएम के दुख को एक्सप्रेस कर रहा है. पोएम में जो पोएट ने अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है ये वो हमें दिखा रहा है. व्हाइल द फोटो ब्रिंग्स बैक हैप्पी मेमोरीज ऑफ अ बीच ट्रिप. फोटोग्राफ हैप्पी मेमोरीज दिखा जरूर रहे हैं बीच ट्रिप का उनकी मदर के लिए, पर पोएट के लिए ये रिमाइंडर है अपनी मदर के एब्सेंस का, अपनी मदर के लॉस का ना. उस फोटोग्राफ में मदर इज सो हैप्पी, उसके बाद उसी फोटोग्राफ को देखकर मदर पे इतनी लाफ्टर, यू नो शी प्रोड्यूसेस दैट लाफ्टर. बट ये सब कुछ अल्टीमेटली पोएट को बहुत सैड फील कराता है बिकॉज you know cannot describe that grief, that emptiness, that void which is there in her life now due to her mother, right? तो ये हमारी पूरी की पूरी poem थी. आपको कुछ भी doubt रहा होगा किसी भी phrase में, किसी भी word में, let me know in the comment section. अब हम फटाफट से करते हैं इस poem के poetic devices, क्योंकि ये भी आपसे कई बार reference to context form में पूछ लिए जाते हैं. extract आपको दिया रहता है, पूछ लेते हैं कई बार MCQ format में या सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है किस पर्टिकुलर लाइन में. सो विल बिगिन विद ऑलिटरेशन. तो ऑलिटरेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे बिल्लो बग्गे बिलिया वाला हम लोगों ने याद किया है तो उसी से हमें याद रखना है. ऑलिटरेशन का मतलब होता है जब हम रेपिटेशन करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का बिल्कुल शुरू में. जैसे कि देखो एग्जाम्पल, स्टूड स्टिल इज अ कॉन्सोनेंट साउंड अगेन. तो स्टूड और स्टिल, तो ये आपका ऑलिटरेशन हो गया. माई मदर्स म म कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर बिल्कुल वर्ड्स के बिगिनिंग में आया है, क्लोजली अटैच्ड वर्ड्स में, तो ये भी ऑलिटरेशन हो गया. टेरिबली ट्रांजियंट, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ऑलिटरेशन. साइलेंस, साइलेंसेज, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑलिटरेशन. तो इसमें ऐसा सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑक्सीमोरॉन. नाउ इस लिटररी डिवाइस में होता क्या है? इस लिटररी डिवाइस में हम लोग दो अपोजिट आइडियाज, नॉट एग्जैक्टली आइडियाज जैसे बोलूँ तो यहाँ पर आप वर्ड्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. हम दो एग्जैक्टली मतलब दो जो एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको साथ में जक्स्टपोज करते हैं, फोर्सफुली ऐड कर देते हैं और इससे एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है. अब यहाँ पे लेबर्ड ईज जो है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. क्यों इसको हमने ऑक्सीमोरॉन बोला है? बिकॉज लेबर्ड का जो मतलब यहाँ पर है, लेबर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रगल, बहुत मेहनत जिसमें. ईज का मतलब होता है कंफर्ट, और स्ट्रगल और कंफर्ट इस साथ साथ तो नहीं, तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गए. तो
इसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे और दोनों को साथ में रखा गया है, साथ में प्लेस किया गया है टू क्रिएट एन इफेक्ट, वो दिखाने के लिए कि किस तरह से बोथ ऑफ देम, बोथ द पोएट एंड द मदर, दे राय विद दिस दे बॉडीज, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोएटिक डिवाइस इस पोएट्री से बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखो, ट्रांसफर एपिथेट को डिस्क्राइब करने से पहले आपको समझना होगा कि एपिथेट क्या होता है। तो एपिथेट वर्ड्स अगर आपको एकदम लेमैन्स टर्म में समझाऊं तो ये एक एडजेक्टिव है, राइट। ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हम क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव एज क्वालिटी टू द नाउन, है ना। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन के बारे में बताता है। लेकिन कई बार हमारे पास देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, तो इफ आई से रेड शर्ट, तो ये जो रेड वर्ड है, ये जो रेड वर्ड है, ये शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो रेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यही एपिथेट है। व्हाट इफ हमारे पास ऐसा कोई वर्ड है जो लगा तो इस पर्टिकुलर नाउन के लिए, बट ये डिस्क्राइब किसी और नाउन को कर रहा है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ट्रांसफर हो चुका है, तब हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज अ लिटरली डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज अटैच्ड टू अ नाउन, कि एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन से अटैच तो होता है लेकिन वो डिस्क्राइब किसी दूसरे नाउन को कर रहा होता है इन द सेंटेंस, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, राइट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पर क्यों बोला गया कि ये आपका एपिथेट है, बिकॉज ये फीट को नहीं बोल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। ये किसको बोल रहा है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी कि जो इम्परमानेंट है, टेम्पररी है, किसको बोल रहा है एग्जैक्टली इम्परमानेंट, ये किसको बोल रहा है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, राइट। भले ही यहां पर ये ट्रांजिएंट वर्ड फीट के आगे लगा है, पर ये फीट को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये फीट को ट्रांजिएंट नहीं बोल रहा है कि फीट जो है वो इम्परमानेंट होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा है एक्चुअली अपना डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, विच इज सिनेकडेकी। नाउ व्हाट इज दैट, व्हाट इज सिनेकडेकी, सिनेकडेकी का मतलब होता है व्हेन पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, आई मीन द पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल, जब आप एक पार्ट से पूरे के पूरे होल को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज सिनेकडेकी। अब यहाँ पर सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, वर्ड यूज हुआ था पीछे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, फीट बोलने से एक्चुअली मतलब क्या था, सिर्फ पैरों को डिस्क्राइब नहीं किया था, वो ह्यूमंस की बात हो रही थी, ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो फीट जो है वो एक ह्यूमन बॉडी का पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी जो है होल है, राइट, एंड फीट इज इट्स पार्ट, फीट उसका पार्ट है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली कोई बॉडी वर्ड ऐसा कुछ यूज नहीं किया, हमने फीट एक पार्ट को डिस्क्राइब किया, पार्ट को यूज किया विच डिस्क्राइब्स द इंटायर होल, राइट। तो ये आपका सिनेकडेकी है। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, नॉट जस्ट इन दिस पोएम, बट आपको और भी बहुत सारी पोएम्स में, क्लास 11 में तो ढेर सारी ऐसी पोएम्स है जहाँ पर आपको इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस मिलेंगे, तो वो भी हम लोग अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। बट इन केस आपको कोई और एग्जाम्पल्स पता है जो इस पोएट्री में नहीं है, सिनेकडेकी या ट्रांसफर एपिथेट के, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड हियर रेफर टू। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर बोला गया है पोएम में, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। सो अ थिक पेपर ऑन विच द पोएट्स फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड, ये वो थिक पेपर है जिसमें पोएट की फोटोग्राफ पेस्टेड है, थिक एनवेलप की बात हो रही है, पेपर बोट की बात हो रही है, अ थिक पेपर ऑन विच द पोएट्स मदर्स फोटोग्राफ वॉज, तो ये तो एविडेंट है क्वेश्चन, पोएट की किसी भी फोटोग्राफ की बात नहीं हुई है, पोएट के मदर के फोटोग्राफ की बात हुई है। दी इज द करेक्ट आंसर, माइट गेट क्वेश्चन, लग रहा है इजी है बट आप लोग करके क्या आते हो, फर्स्ट वाला करके आ जाते हो, वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम मेंशंस द सी एज समथिंग दैट अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ये वाली लाइन याद है हमने पढ़ी थी। पोएट ने जब उस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व किया, शी रियलाइज्ड कि सी तो यार जैसा था वैसा ही दिख रहा है। सो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम, इससे क्या समझ में आ रहा है पैसेज ऑफ टाइम को लेकर, क्या समझ पा रहे हो, टाइम के ऊपर क्या कॉमेंट्री की है यहाँ पर पोएट ने, तो उस पर पूछा है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स आपसे कई बार किसी भी तरह से एक्सप्लेन करके भी पूछ सकते हैं, पर उसमें हम लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो क्या इंपॉर्टेंट थीम रेज किया है उस पर्टिकुलर लाइन से, ये एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डेफिनेटली पैसेज ऑफ टाइम के ऊपर कुछ बात की है पोएट ने, अब हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो द
द पोएम सजेस्ट दैट द नेचुरल वर्ल्ड, पोएम क्या सजेस्ट कर रही है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है जैसे कि सी रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज्ड, वो कंपेरेटिवली ना अनचेंज्ड लगता है. किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन लाइफ के कंपैरिजन में. अब जैसे गर्ल्स इन द फोटोग्राफ थी, एक बार वो एक टाइम ऐसा था जब वो 10-12 साल की थी, सभी केयर फ्री एकदम मजे से इंजॉय कर रहे हैं. अब वो देखो बड़ी हो चुकी है, मदर तो अब इस दुनिया में भी नहीं है एंड प्रेज्यूमेबली मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स. बाकी बेटी एंड डॉली जो कजन्स है उनका नहीं पता, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है. सकता है उनमें से भी किसी की डेथ हो गई हो या वो अब ओल्ड एज में आ चुके हो. दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अनचेंजिंग सी, और ये जो अपोजिट इमेज हमारे आगे प्रेजेंट किया है ना, इसका अनचेंजिंग सी का और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का, इसकी किस बात पर स्ट्रेस डालता है? ये फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर स्ट्रेस डालता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना वो सेम नहीं रहता, उसका फ्लीटिंग नेचर है. फ्लीटिंग मतलब जो क्विकली पास हो जाए, राइट. इट रिमाइंड्स अस दैट टाइम मार्चेस ऑन. ये हमें बार बार याद दिला रहा है कि टाइम जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वो बढ़ता रहता है. इट मूव्स ऑन, टाइम गोज ऑन एंड ऑन, राइट. एंड इवन हैप्पी मोमेंट्स कैप्चर्ड इन फोटोग्राफ्स इवेंचुअली बिकम पार्ट ऑफ द पास्ट, और जो हैप्पी मोमेंट्स फोटोग्राफ में कैप्चर होते हैं वो भी पास्ट का ही पार्ट बन जाते हैं. सो टाइम को लेकर ये कॉमेंट्री बेसिकली पोएट ने की है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द थ्री स्टैंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? जो तीनों स्टैंजास हैं ये तीन अलग अलग फेजेस को डिस्क्राइब करते हैं. कौन से अलग फेजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं? सो द इन द फर्स्ट फेज, सबसे पहला जो फेज था, द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एज अ हैप्पी 12-year-old गर्ल विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. देखा, पोएट ने अपनी मदर को एक 12-year-old गर्ल के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जिनकी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल है, जो पैडलिंग एंजॉय कर रही है अपने गर्ल कजन्स के साथ पोएट के पैदा होने से भी पहले, राइट. एंड इन द नेक्स्ट फेज, और इसके बाद वाला जो फेज है, द पोएट टॉक्स अबाउट हर मदर एज एन अडल्ट. पोएट अपनी मदर को एज एन अडल्ट हमें डिस्क्राइब कर रही है, जो अपनी ही फोटोग्राफ को देखकर गिव्स अ ह्यूज लाफ्टर, राइट. शी वॉज लाफिंग वाइल लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो ऑफ हर सेल्फ. फाइनली द पोएट शेयर्स हाउ हर मदर्स डेथ हैज ब्रॉट अ डीप साइलेंस एंड सैडनेस इन. थर्ड जो फेज है उसमें क्या दिखाया है कि कैसे उनकी मदर के डेथ ने एम्प्टीनेस ला दिया है पोएट की लाइफ. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट्स मदर वुड लाफ लुकिंग एट द फोटोग्राफ. व्हाई? अब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखकर क्यों हंस रही है? ये जो इमेज है ना पोएट की मदर के लाफ्टर का, ये भी पोएट की मेमोरी का ही एक पार्ट है. ऐसा नहीं है कि वो लाइव देख रही है अपनी मदर को हंसते हुए, ऐसा नहीं, वो भी सोच रही है पोएट, ठीक है. सो मदर हंस क्यों रही है फोटोग्राफ को देखकर? तो ऐसा होता है, ऑब्वियसली बात है, पास्ट की कोई फोटो अपनी देखते हो या तो आप इमोशनल होकर रोने लगते हो या आप हंसने लगते हो. तो इयर्स अगो द पोएट्स मदर लाइकली इन हर मिडल एज वुड लाफ एज शी लुक्ड एट दिस चाइल्डहुड फोटोग्राफ. सालों पहले हो सकता है पोएट की मदर, नाउ शी वॉज एन अडल्ट, मिडिल एज में होंगी अपने में भी, अपनी फोटोग्राफ को देखकर वो हंस रही थी. द पिक्चर ब्रॉट बैक हैप्पी मेमोरीज ऑफ अ बीच वेकेशन. क्योंकि पोएट की मदर के लिए भी तो वो पिक्चर हैप्पी मेमोरीज लेकर आई है ना, वही सेम पिक्चर की बात हो रही. वही सेम पिक्चर जब पोएट ने देखा तो उन्हें अपनी मदर की याद आई, और वही सेम पिक्चर जब पोएट की मदर ने देखी थी अपने मिडिल एज में तो उनको अपने हैप्पी मेमोरीज याद आई, अपना सी हॉलीडे याद आया, अ टाइम ऑफ केयर फ्री लाफ्टर, एक ऐसा टाइम आया जब वो एकदम मजे से हंस रही हैं. एंड सिंपल जॉय द आउटडेटेड बीच वेयर इन द फोटो प्रॉबेबली एडेड टू हर अम्यूजमेंट. और वो अपनी फोटोग्राफ को देखकर भी बोल रही, देखो लुक हाउ वी आर ड्रेस्ड. वो आउटडेटेड ड्रेसअप को मैं भी देखकर क्रिटिसाइज कर रही है, थोड़ा सा फनी मैनर में उन्होंने उसको परसीव किया है. मेकिंग हर लाफ एट द चेंज. वो अपने उसी अपीयरेंस को देखकर हंस रही हैं, खुश हो रही है. क्लियर? नाउ व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं. सर्कमस्टेंस यहां पर किसको रेफर कर रहा है? सो द फ्रेज दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर. ये एक्चुअली में वैसे तो डायरेक्टली डेथ लिखना भी ठीक नहीं है, द एम्प्टीनेस क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ द मदर. आप ऐसा इसको ज्यादा लिखोगे तो वो बेटर रहेगा. द फोटोग्राफ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. फोटोग्राफ किसका काम कर रही है? एक कैटलिस्ट का काम कर रही है, जो कि ट्रिगर कर रहा है वेव ऑफ ग्रीफ. कैटलिस्ट जैसे आप लोग रिएक्शन में पढ़ते हो, जो सिर्फ आपके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, है ना, तो वैसे ही ये फोटोग्राफ ने भी एक कैटलिस्ट का काम किया, जो कि पोएट के मन में ग्रीफ लेकर आए, दुख लेकर आए फॉर द स्पीकर, आई मीन द पोएट. ऑफ द लॉस इज सो डीप एंड पर्सनली. लॉस इतना पर्सनल है, इतना डीप है कि कोई और इसे नहीं समझ पाएगा, और वो स्पीकर की जगह यू कैन राइट पोएट एज वेल, वो एकदम स्पीचलेस फील कर रही है. वो बोल नहीं पा रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है वर्ड्स में अपने दुख को. एंड द इनॉर्मिटी ऑफ द लॉस,
इनॉर्मिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड इनॉर्मस, ह्यूज, लॉस इतना ह्यूज है दैट इट मेक्स वर्ड्स सीम इनएडिक्वेट, कि वर्ड्स काफी नहीं लग रहे, इनसफिशिएंट लग रहे हैं वर्ड्स टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ देयर सैड. दोनों ही अपने वर्ड, दोनों ही आई मीन अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पे पोएट के सैडनेस की बात. ठीक है, क्लियर? इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर आप यहाँ पर हर लिख दो, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट पोएट्स मदर इन अ पोएट, राइट? नॉट मदर बट पोएट. ठीक है, ओके. तो मैं फिर से ये लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ इनकेस यू गॉट कन्फ्यूज. द इनॉर्मिटी ऑफ द लॉस, किसके लॉस की बात हो रही है? पोएट के लॉस की बात हो रही है, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर नाउ, और इसकी वजह से ना शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ. वो अपने दुख को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, इसीलिए उन्होंने बोला दिस सर्कमस्टेंस, राइट? उन्होंने डिस्क्राइब किया, फिर लास्ट में लिख दिया इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि भाई इस सिचुएशन की जो साइलेंस है ना, इसने मुझे भी साइलेंट बना दिया, स्पीचलेस कर दिया है, बिकॉज मेरे पास वर्ड्स की कमी हो चुकी है, मैं इस दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. एंड इसीलिए यहाँ पर देयर की जगह राइट हर सैड, हर कौन? पोएट का सैड. ठीक है, सो वी आर डन विद द एंटायर पोएम एंड आई होप यू एंजॉयड इट. आपको अच्छे से हर एक वर्ड, हर एक फ्रेज, हर एक लाइन समझ में आया होगा अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेज. मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस पोएम, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और क्योंकि बहुत ही प्यारी सी पोएम है तो आई डोंट थिंक कि कुछ उसमें ऐसा डिफिकल्टी लेवल आपको फील हुआ होगा. जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं वी हैव ऑलरेडी डन इट, हमने एक्सप्लेनेशन उसका ले लिया है. बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू so much.